हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NVS एकेडमी पर। देखिए, आज अपन इस चैनल NVS एकेडमी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं नरेंद्र सिसोदिया आप सभी लोगों को SSC और बैंक से रिलेटेड मैथ्स और रीजनिंग के कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। देखिए, आज अपन शुरुआत करते हैं आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए, क्योंकि मुझे भी पता है आप जो SSC और बैंक के कैंडिडेट हैं उनकी मार्च फर्स्ट वीक के अंदर और SBI जो बैंक के हैं उनके फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाली हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। हालांकि मैं 5-10 दिन लेट हूँ क्योंकि संसाधनों के अभाव में ऐसा कई बार हो जाता है। तो देखिए, मैं आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए अपने चैनल की शुरुआत, यानी कि कहने का मतलब पहले क्वेश्चन की श्री गणेश करता हूँ। देखिए, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी इन दिनों में मैथ्स। देखिए, मैथ्स जो है SSC और बैंक दोनों की पढ़ाई जाएगी, SSC की भी और बैंक की भी। ठीक है, दोनों का अलग अलग पैटर्न होगा और अलग अलग तरीके से जो टॉपिक हैं उन्हें क्लियर करवाया जाएगा। तो देखिए, मैं जो कंबाइंड टॉपिक हैं कैलकुलेटिव पार्ट्स के, उनके बेसिक्स जो हैं वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा काम में आने वाला जो बेसिक्स है वो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसका छोटा सा एक पार्ट आप सभी लोगों के सामने। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करें। मैं आपका अपना नरेंद्र सिसोटी आपसे निवेदन करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आपको वक्त ख़राब ना करते हुए मैं सबसे छोटा जो पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो काम में लेता हूँ, और वो है, देखिए, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ गुणा का टॉपिक, यानी कि गुणा किस प्रकार से करते हैं। तो गुणा देखिए सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ें मेरे सामने हों और मुझे गुणा करने की ज़रूरत पड़े तो मैं किस प्रकार से डील करूँगा। तो गुणा का, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गुणा किस प्रकार से करेंगे, देखिए, 1/1 तो हर कोई कर लेता है, उसके बाद की जो कहानी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसकी सबसे छोटी पहली जो सीढ़ी है वो स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे टॉप पे पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं कि छलांग मारते ही सीधा मैं एक एडवांस लेवल पे आपके कैलकुलेशन करवाऊं और आप, कहने का मतलब, उसमें बैकवर्ड हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है वो गुणा का ले रहा हूँ, और मैं सबसे छोटी संख्याओं के बारे में बात करूँगा आज के दिन। और कहने का मतलब, आपका जो बेस है, जो जिस तरीके से मैं पढ़ाना चाहूँ, धीरे धीरे छोटी से बड़ी पे लेके जाऊँ, तो उस हिसाब से अपन काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है वो गुणा का टॉपिक लेंगे और सबसे छोटी संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इस प्रकार से करते हैं, देखिए, जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को मना लेना चाहिए। तो मैं जो है गणेश जी को मना लेता हूँ। किस प्रकार से भाई, अब मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। तो देखिए, अब अपन बात करेंगे गुणा किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए, गुणा का टॉपिक लिया तो सबसे पहले बात करता हूँ, देखिए, सबसे छोटी संख्या के बारे में। अब सबसे छोटी, कहने का मतलब, 1/1 की भी बात करूंगा और 2/2 की भी। तो सबसे छोटी संख्या जो है, मैं, कहने का मतलब, लगभग 10 से स्टार्ट करता हूँ, यानी कि 10 मान लिया मैंने कि वो छोटी से छोटी संख्या है जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। यानी कि 10 को एक बेस मान लिया है, यानी कि एक आधार मान लिया है। अब ये आधार मानने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, क्योंकि मुझे पता है कि गुणा अपने जो पूर्वज थे वो वैदिक मैथ के अनुसार करते हैं, और वो वैदिक मैथ ही है जो अपने जो अपना कैलकुलेटिव पार्ट है उसको स्ट्रोंग करती है। अब किस प्रकार से करते हैं वो अपन इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वैसे वैसे देखते चले जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 10 दिया, तो भाई अकेली संख्या को तो अकेली संख्या से गुणा नहीं करना, मेरे को तो दो संख्या चाहिए। तो इससे आगे बढ़ेंगे तो 11 है, उससे आगे 12 है, उससे आगे 13 है, उससे आगे 14 है, उससे आगे 15, पीछे की तरफ जाएंगे 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, तो कहने का मतलब 10 के आसपास की संख्याओं की बात करूंगा आज मैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो 10 के आसपास की संख्याओं के गुणा के बारे में बात करूंगा।
अब भाई कैसे करते हैं, देखिए इन चीज़ों को जो लिखवाऊँ वो कहने का मतलब एक पार्ट में एक नोट्स बनाते चले जाएंगे जाएंगे। सबसे पहले यानी कि पहली जो लाइन है वो इस प्रकार है, देखिए मैंने कहा कि भाई 11 गुणा 12 करिए, यानी कि 11 का गुणा करिए 12 से। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले तो देखिए पहली जो टर्म होती है वो तो ये होती है कि संख्या में से 10 को घटाए, कब, जब संख्या 10 के आसपास हो। तो संख्या में से 10 को घटाया और फिर उसके बाद में जो शेष बचा उसे देखा, ठीक है। तो उस शेष का क्या करेंगे, देखिए वैदिक गणित ओरिजिनलिटी में देखिए ये जो है उसे क्या है 10 आधार मानते हुए करते हैं। तो देखिए आधार विधि है ये, कहने का मतलब 11, 11 में से 10 को घटाया तो कितना बचा, 1, इसको ऐसे लिख लिया मैंने। दूसरी संख्या थी वो क्या थी, 12, 12 में से 10 को घटाया तो क्या बची भाई, 2, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ये संख्याएं लिख ली। अब संख्या में से 10 को घटाया और शेष जो बचा उन्हें अलग अलग लिख दिया। अब क्या करते हैं दूसरी कंडीशन, अब शेष फल को गुणा करते हैं। तो शेष फल को गुणा किया तो कितना हुआ भाई, 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना बनेगा, 2, ठीक है। तीसरा, दो कॉलम रखता है, एक तो राइट और एक लेफ्ट। जब 10 के आसपास की बात करें तो देखिए चौथी बात ध्यान में रखनी है कि राइट हैंड साइड में एक अंक होना चाहिए, कितने अंक, एक अंक होना चाहिए, ठीक है। बाकी अंकों का क्या करेंगे वो मैं जैसे जैसे आगे करेंगे चलेंगे वैसे वैसे बताता चलूँगा। अब लास्ट जो है वो क्या करेंगे भाई, कि या तो पहली में दूसरे दूसरा शेष फल, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, या फिर दूसरी में पहले का शेष फल, वो कहां लिखते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट कॉलम, ठीक है। इस प्रकार से काम में लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ, पहले तो इसको गुणा किया 2 एकम 2, फिर क्या हुआ 11 को 2 से गुणा, 11 में 2 जोड़ेंगे, 11 में 2 जोड़ेंगे या फिर 12 में 1 जोड़ देंगे। कहने का मतलब पहली संख्या में तो दूसरा शेषफल और दूसरी संख्या में पहला शेषफल, तो कितना बना भाई, 13। ये दो कॉलम थे। अब क्या हुआ मुझे इधर एक अंक रखना है, इधर एक अंक रखना है, तो भाई बाकी ऑलरेडी एक ही है तो ऐसे की ऐसे इस संख्या को उतार देंगे, आंसर कितना बन जाएगा, 132, ठीक है। इसी कहने का मतलब इतनी बड़ी प्रोसेस को मैं छोटी बना के बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में बात करते हैं, 11 गुणा 12 था संख्या। अब क्या किया कि 10 में से घटाना है, ये तो मैंडेटरी पार्ट हो गया, ये जरूरी पार्ट है, यानी कहने का मतलब 11 में से 10 को घटाया 1 शेष, 12 में से 2 को घटाया 2 शेष। अब इसका क्या करते हैं, एक बार तो इनका गुणनफल, तो 2 गुणा 1 का मतलब 2, ठीक है। इसके बाद में इनका योग है वो 10 में जोड़ देते हैं, तो 1 और 2 का योग कितना हुआ, 3, 10 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। वही दो कॉलम बनाते हैं, ठीक है। अब इधर वाले कॉलम में मुझे ध्यान है कि एक ही अंक रखना है, राइट वाले कॉलम में उसमें आगे बढ़ेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, देखिए एक अंक ऑलरेडी है, एक की ही मुझे ज़रूरत थी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 132। अब आगे ध्यान देते हैं, देखिए छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करते हुए अपन चलते हैं कि मैंने दी संख्या 14 गुना 16, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, इसमें 10 से कितना ज़्यादा है, 4, इसमें तो 10 से कितना ज़्यादा है, 6, या फिर मैं ये कह दूँ 14 में से 10 को घटाया तो 4 शेष रहा, 16 में से 10 को घटाया तो 6 शेष रहा। इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल किया तो कितना बना भाई, 24। इन दोनों का योग, 6 और 4 का योग कितना होता है, 10, 10 को 10 में जोड़ेंगे कितना बना, 20। अब देखिए क्या करना है कि राइट हैंड साइड में मुझे सिर्फ एक ही अंक की ज़रूरत है, एक अंक की ही ज़रूरत है तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए एक अंक मैंने यहाँ रख लिया तो बाकी के दूसरे को मैं ट्रांसफ़र करूंगा किस तरफ, 20 की तरफ।
तो 20 में जब 20 की तरफ ये दो ट्रांसफर होगा तो इधर जाके तो कितना बन जाएगा भाई, दो जुड़ जाएगा, तो इधर जाके दो जुड़ेगा तो 20 में दो जोड़ेंगे तो कितना भाई 22, ठीक है। और इधर एक अंक चाहिए था तो एक अंक मैंने रख लिया। अब कहने का मतलब एक जो राइट कॉलम था उसमें एक अंक बच गया, इधर कितने भी अंक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब जो राइट साइड है वो अगर 10 के आसपास की संख्याओं के बारे में बात कर रहा है तो उसमें एक जो राइट वाला कॉलम है उसमें सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए, उसके बाकी के सारे अंक को ट्रांसफर कर देंगे कौन से साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए अपनी जो कहने का मतलब शर्तें थी वो पूरी हो गई हैं। जब शर्तें पूरी हो जाती हैं तो कहने का मतलब सीधा का सीधा आंसर लिख देते हैं, तो कितना लिखेंगे भाई 224, ठीक है। अब इतना गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करिए आप, मैंने कहा 13 × 12, दो ही तो चीज़ें सोचनी है, इसमें तो 3 ज़्यादा है इसमें 2 ज़्यादा है। एक बार तो इनका गुणनफल कितना हो भाई 6, एक बार इनका योग 3 और 2 5, इसको जोड़ देंगे किसमें 10 में, तो कितना हो जाएगा 15, यही इसका आंसर है, ठीक है। नमस्कार पुनः आप सभी लोगों का, और कृपया आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें जिससे कि मुझे पता तो हो कि मुझ में कुछ कमियां हैं या नहीं हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगा या नहीं लगा तो कृपया मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जिससे कि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहूं। आपका अपना नरेंद्र सोटिया फिर से स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल NVS Academy पर। धन्यवाद।